नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा, फैशन स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कम्बल टाँका सिखाने जा रही हूँ। और इस टाँके का जो प्रयोग है वो कम्बल के किनारों को बांधने के लिए किया जाता है। सजावटी जहाँ जहाँ हमें कई बार किनारों को सजाना होता है वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और धागे को रोकने के लिए भी, जैसे हम इंटरलॉक करके धागा रोकते हैं, किनारों को मजबूत करते हैं, वहाँ पर भी हम कंबल टाँके का इस्तेमाल करते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार से कंबल टाँका बनाया जाता है। ये देखिए, मैं इनको कपड़े पर जो है बता रही हूँ। ये मोटे, ज़्यादातर ये मोटे कपड़ों पर किया जाता है। और इस प्रकार से ये देखिए, धागा लेंगे। धागा जो है ये दोनों साइड से दिखाई देता है। ये देखिए, धागा जो है वो सुई के नीचे होना चाहिए। ये देखो, ध्यान से देखो, धागा जो है सुई के नीचे होना चाहिए। और इस प्रकार से ये देखिए, ये काज के टाँके की तरह है, दिखाई देगा इस प्रकार से। ये देखिए, अब ये देखिए, इस प्रकार से हम सुई को लेंगे और धागे को सुई के नीचे रखेंगे। देखो, ध्यान से देखो, धागा सुई के नीचे होगा इस प्रकार से। और इस ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से दो दो पॉइंट की दूरी लेते हुए सुई के नीचे धागा रखेंगे। ध्यान से देखिए, इसी टाँके से हम काज का टाँका भी बनाते हैं। वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि काज कैसे बनाते हैं। ये ज़्यादातर मोटे कपड़ों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। धागों को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे रुमाल, मेज पोस आदि जब हम बनाते हैं तब भी इसका, सजाने के लिए भी हम इस टाँके का प्रयोग करते हैं। देखिए, सुई के नीचे धागा लेकर के तब इसको बनाना है। और ये इसकी जो दूरी है ये एक जैसी होनी चाहिए। ये इधर से भी दिखाई देगा और इधर से भी, ये दोनों साइड दिखाई देगा। ये देखिए, और इसके यहाँ ऊपर ऊपर जो है एक चैन सी बनती नज़र आएगी आप लोगों को। ये देखिए, बिल्कुल इसकी जो चौड़ाई है वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। ये देखिए, ये देखो, ये बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए। इसकी जो ये दूरी है धागे की, टाँके की दूरी है, ये दो पॉइंट के समथिंग होनी चाहिए। ये देखो इस प्रकार से, सुई के नीचे धागा आना चाहिए। देखो, धागा जो है सुई के बिल्कुल नीचे से लोगे और इस प्रकार से ये देखिए एक लूप सी बनती जाएगी। देखो इस प्रकार से ये ऐसे आ जाएगा। फिर हम ऐसे ही लेंगे। ये देखो, धागा सुई के नीचे और ये ध्यान से देखिए, ये जो है ये देखो, ये इस प्रकार से आएगा। देखो, ये देखो इस प्रकार से। फिर दोबारा से देखिए, ऐसे लेंगे धागा सुई के नीचे और इस प्रकार से जब हम लेंगे तो ये देखिए, ये इस प्रकार से होगा। ये देखो, ये देखिए, ये है। और धागा जो है इस टाँके के बीच में आना चाहिए, ये इस प्रकार से। ये बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। और मैंने आपको बताया, मोटे कपड़ों पर कंबल के किनारे पे जहाँ गोट नहीं लगाते वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, सजाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और जैसे कपड़ों पर धागे निकलते हैं वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल एक जैसी मोटाई लेते हुए और इस टाँके को हम इस तरह से पूरा कर दें। ये ध्यान रहे कि धागा जो है, मैंने आपको दिखा दिया कि इस के बीच में होना चाहिए। देखो, ये हमारा, ये इस प्रकार से, ये देखो ऐसे। और ये देखिए, ये नीचे से भी एक जैसा है और इधर से भी, इसमें दोनों तरफ ये टाँका एक जैसा दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो है आप इस टाँके को बना सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।